दोस्तों मैंने आपको कई सारे वीडियो में बताया है कि सेमीकंडक्टर भारत के लिए बहुत ही जरूरी है। सेमीकंडक्टर का प्लांट जिस राज्य में बैठेगा वो राज्य डेवलप करेगा। अगर आपके राज्य में सेमीकंडक्टर का प्लांट बैठता है तो आपका राज्य भी ग्रो करेगा। सेमीकंडक्टर खुद चल करके नहीं आएगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको भारत में लाना होगा। और इसी को लेकर के एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल करके आ रही है। करीब करीब $10 बिलियन भारत में आने वाला है सेमीकंडक्टर के माध्यम से। तो आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वो कौन सी कंपनी है जो भारत के अंदर $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, किसके साथ मिलकर करेगी, किस राज को ये $10 मिलियन मिलेगा, किस राज का भाग चमकने वाला है। आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों अब तक मैंने आपको कई सारे वीडियो बताया है कि दुनिया की बेस्ट से बेस्ट कंपनी आईफोन हो गया, फॉक्सकॉन हो गया, ताइवान हो गया, अमेरिका का माइक्रोन हो गया और भारत की टाटा ग्रुप, ये सब मिलकर के भारत में कई सारे सेमीकंडक्टर प्लांट पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब इस लिस्ट में एक और नया नाम जुड़ा है जिसका नाम है अडानी ग्रुप। अब अडानी जी भी भारत के सेमीकंडक्टर के मिशन में जुड़ चुके हैं। यहाँ पर अडानी ग्रुप का साथ देने वाली है इजराइल की टावर कंपनी। इजराइल की जो टावर सेमीकंडक्टर कंपनी है वो अडानी ग्रुप के साथ मिलकर के भारत में सेमीकंडक्टर के प्लांट को सेटअप करने जा रही है। भारत सरकार ने $10 बिलियन का इंसेंटिव लॉन्च किया था सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को लेकर के फेज 1 में। और अभी हाल ही में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि भारत सरकार सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के फेज 2 में $15 बिलियन का इंसेंटिव देने वाली है इन कंपनियों को, ताकि ये कंपनियां भारत में आए और भारत में सेमीकंडक्टर के प्लांट को सेटअप करे। कौन कौन से राज्य किस तरह से प्रयास कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर प्लांट हमारे राज्य में आए। अब सवाल आता है कि ये जो नया डेवलपमेंट होने जा रहा है, ये जो अडानी और इजराइल मिलकर के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं, ये किस राज्य को मिलेगा, इससे किन किन लोगों को क्या फायदा होगा, आम लोगों को क्या फायदा होगा, कौन सा राज्य ग्रो करेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइए इस पर बात करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सेमीकंडक्टर है तो पक्का गुजरात में आया होगा, गुजरात के धुलेरा में एक नहीं दो दो सेमीकंडक्टर प्लांट पर काम चल रहा है, ये वाला भी मोदी जी गुजरात में ला दिए होंगे। ऐसा नहीं है गाइस, गुजरात में प्रोजेक्ट आ रहा है, अच्छी बात है, क्यों नहीं आए भाई। जिस राज्य ने दुनिया को, देश को एक प्रधानमंत्री दिया है तो वो प्रधानमंत्री अपने राज्य के लिए करेंगे, काम करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, हर कोई करेगा। मेरे को मेरे राज्य से सीएम बना दो और फिर मुझे प्रधानमंत्री बना दो, जाहिर सी बात है कि मैं अपने राज्य को आसमान में लेकर के जाऊंगा। कोई भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश की सरकार बनने दो, सत्ता में आने दो, उत्तर प्रदेश कहां जाएगा इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे, तो ये नॉर्मली बात है। लेकिन हाँ, इस वाले प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि कोलकाता का प्रोजेक्ट, विशेषकर महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट मोदी जी महाराष्ट्र से उठा करके गुजरात लेकर के जा रहे हैं। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, अडानी जी अंबानी जी सब गुजरात के हैं, सब गुजराती हैं, लेकिन ये जो $10 बिलियन आ रहा है ये महाराष्ट्र में आ रहा है। इजराइल की टावर कंपनी और अडानी ग्रुप दोनों मिलकर के महाराष्ट्र के अंदर $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इससे महाराष्ट्र के लोगों को कितना ज्यादा फायदा होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डायरेक्ट इसके वजह से महाराष्ट्र के 29,000 लोगों को जॉब मिलेगा। इनडायरेक्ट रूप से छोड़ दीजिए, मैं इनडायरेक्ट रूप से नहीं बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से तो बहुत सारा मिलेगा लाखों में, लेकिन जो डायरेक्ट रूप से होता है जैसे कि डिप्लोमा होल्डर, बीटेक होल्डर, जो इंजीनियर बने छोटे छोटे, उनको जो जॉब मिलेगा, जो स्टडी करके गए हैं, उनकी संख्या करीब करीब 30,000 के पार होने वाली है। तो सबसे पहले तो आम आदमी को फायदा हो गया, जहां पर बनेगा वहां के लोकल लोगों को फायदा होगा, आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, ये सारा फायदा हो गया। ओवरऑल इतने बड़े प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र में आने से महाराष्ट्र का जो टारगेट है $1 ट्रिलियन का, इसमें एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि $10 बिलियन 10 अरब रुपया की बात नहीं हो रही है, $10 अरब की बात हो रही है, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आज से 6 महीने पहले ही इजराइल ने ऐलान कर दिया था कि वो $8 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करेंगे सेमीकंडक्टर के चिप को बनाने के लिए, लेकिन अब इजराइल ने इसे बढ़ा करके $10 बिलियन कर दिया है, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे इजराइल और भारत का रिलेशनशिप भी काफी अच्छा होगा और $10 बिलियन हमारे भारत में आएगा। महाराष्ट्र को गुस्सा तब आया था जब वेदांता फॉक्सकॉन ने महाराष्ट्र में 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर प्लांट को सेटअप नहीं करेंगे, हम गुजरात में करेंगे। और इन सारी चीजों को देख करके लोगों को लगा कि मोदी जी महाराष्ट्र में आने वाले प्रोजेक्ट को गुजरात में लेकर के जा रहे हैं। लेकिन इस बार जो हुआ वो बिल्कुल अलग है। इजराइल मोदी का, मतलब पूरे भारत का बहुत अच्छा मित्र है। पीएम मोदी चाहे तो इजराइल को जिस राज्य में बोलेंगे उस राज्य में इजराइल अपना प्लांट सेटअप कर देगा, लेकिन ये प्लांट महाराष्ट्र में सेटअप किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ गुजरात का डेवलपमेंट कर रही है, अगर ऐसा रहता तो मैं आपको हजारों नहीं लाखों प्रोजेक्ट गिना दूंगा जो कि महाराष्ट्र के अलावा अलग अलग राज्यों में बन रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाना था, उत्तर प्रदेश में बन रहा है, मल्टीपल चीजें गाइस, क्या एग्जांपल दूं मैं आपको। मैंने अपने चैनल पर आपको इतना सारा प्रोजेक्ट बताया है, क्या वो सारे के सारे प्रोजेक्ट गुजरात के हैं, बहुत कम मिलेगा, ज्यादातर तो आपको महाराष्ट्र का ही मिलेगा, उत्तर प्रदेश का मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ अपने राज्य को ही ग्रो कर रही है। हाँ, जिस राज्य से वो आती है उसका वो डेवलपमेंट करे, वो उनका कर्तव्य है और वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जिस राज्य के लोग मुझे सीएम से पीएम बना देंगे उस राज्य के लिए मैं क्यों नहीं करूं, 100% कोई भी करेगा, जान दे देगा, दिन रात एक कर देगा। और एग्जांपल आपके सामने है, यूपी हो रहा है, गुजरात हो रहा है, और भी कई ऐसे राज्य हैं
जो अपने राज के लिए, राज के डेवलपमेंट के लिए मर मिटने को तैयार हैं। और जब इस तरह की देशभक्ति देखने को मिलती है तो भारत दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन जाता है और बन चुका है ना। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये जो टावर सेमीकंडक्टर है, ये इजराइल की सेकेंड लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी है जो कि भारत में आने वाली है। अब अगर हम लोग टावर सेमीकंडक्टर की रैंकिंग की बात करें कि वर्ल्ड में इसका रैंक क्या है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दुनिया भर में टावर सेमीकंडक्टर कंपनी का जो रैंक है वो 73 नंबर पर आता है और इनका जो मार्केट कैप है वो 3.27 बिलियन डॉलर है। अगर दुनिया के नंबर वन सेमीकंडक्टर कंपनी की बात करें तो वो है निविडा, जिसमें भी अच्छा खासा गिराव देखने को मिला था। इसके बाद है TSMC, इसके बाद है बॉडकॉम, SML, नंबर पांच पर सैमसंग है, सैमसंग भी सेमीकंडक्टर बनाती है, AMD है, इंटेल है, ये सब आपको लैपटॉप वगैरह देखने को मिलेंगे। तो ये सब दुनिया की जानी मानी सेमीकंडक्टर कंपनी है। आप लोग बोलते हैं ना कि अमेरिका अमीर क्यों है, यहाँ पर आप देखो लिस्ट में देखो 1, 2, 3, 4 दुनिया की 7 सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी में 4 अमेरिका की है। यही तो खासियत है अमेरिका की। आप ये जो देख रहे हो वीडियो किसमें देख रहे हो, यूट्यूब में ना, किसका है यूट्यूब, अमेरिका का, व्हाट्सएप अमेरिका का, फेसबुक अमेरिका का, इंस्टाग्राम अमेरिका का, गूगल अमेरिका का। आप अपने रूम में नजर डालोगे ना, जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसमें से ऐसा कोई चीज नहीं होगा कि वो अमेरिका का हो ही ना। आप फोन की बात कर लो ना भाई, चैटिंग कर रहे हो, दिन भर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया का अधिकतर प्लेटफॉर्म अमेरिका का है, यही कारण है कि अमेरिका आगे है। तो भारत को अगर अमेरिका को पीछे करना है या चाइना को पीछे करना है तो हमें इस तरह से काम करना होगा, खुद का यूट्यूब, खुद का गूगल, ये सब चीज होना चाहिए। खैर इन सारी चीजों को होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसका मैं आपको अभी सपना नहीं दिखा रहा हूं। लेकिन आप देख सकते हैं टॉप के टॉप टॉप 10 में सिर्फ अमेरिका ही भरा हुआ है। फिर आपको एक दो मिल जाएंगे ताइवान, US, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, बाकी अमेरिका ही है। यही तो कारण है दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर व्यक्तियों में 8 से 9 अमीर व्यक्ति आपको सिर्फ US के मिलेंगे। तो ये सब कुछ रीजन है कि अमेरिका का GDP 35 ट्रिलियन डॉलर के पार है। भारत को अगर ऐसा करना है तो भारत को भी इसी तरह से ग्रो करना होगा, भारत को भी इसी तरह से काम करना होगा। तो ये जो टावर सेमीकंडक्टर कंपनी है, ये भारत में एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रही है। इससे महाराष्ट्र के लोगों को क्या फायदा होगा, मैंने आपको बता दिया। अगर इस तरह से भारत के अंदर निवेश आएगा तो हमारा हर क्वार्टर का डाटा 8.8 के पार जाएगा। अगर 8 के ऊपर जाता है हमारा GDP रेशियो हर क्वार्टर का, तो 2047 तक हमें डेवलप कंट्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, ऐसा पूरा वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स का मानना है। बाकी आप इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपके राज्य में सेमीकंडक्टर प्लांट आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के पीछे भी हमारी यही भावना है। भारत की स्किल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी का पूरी दुनिया को लाभ हो, यही भारत की इच्छा है।